मेरा चैनल अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है एंड मुझे अभी अपना प्लान बॉक्स मिला है, तो आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही खोलना चाह रही थी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी सिर्फ अगर मैं न्यू प्लान ऐड करूँगी तो सिंगोनियम ही ऐड करूँगी, एंड मैंने लास्ट वीक सिंगोनियम का जितना भी यू नो वीडियो डाला या रेफरेंस दिया उसमें मैंने बोला था कि मैं कुछ प्लान अपने ऑनलाइन भी ऑर्डर करने वाली हूँ जो यहाँ पर नहीं मिलता है लोकल नर्सरीज में, तो वो मैंने ऑर्डर किया था कल। उसने शिपिंग किया सेलर ने एंड बस में आया एंड आज सुबह गुवाहाटी पहुंच गया। फिर ISBT मेरे घर से बहुत दूर है, ISBT से सिटी ऑफिस पहुंचते पहुंचते अभी देखिए 5:30 हो गया है एंड आई एम नॉट श्योर, आई होप प्लान्स ठीक ही होंगे, लेकिन आज इतनी गर्मी थी तो मैं जल्दी जल्दी खोल लेती हूँ क्योंकि प्लान्स थोड़े ड्राई हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्लान्स तो नहीं है, थोड़ा 4-5 ही है प्लान्स। ऑनलाइन थोड़ा तो आपको कॉस्टली मिलता है, रोड साइड यू नो या लोकल नर्सरी से कॉस्टली मिलता है ऑनलाइन, लेकिन कभी कभी क्या होता है यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको ऑनलाइन कभी कभी ऑर्डर देना पड़ता है। एंड मैं यू नो ऑनलाइन नहीं बोलती हूँ हमेशा कि इफ़ पॉसिबल ऑनलाइन मत कीजिए, लेकिन जब उपाय नहीं होता है मैं खुद ही ऑनलाइन कर लेती हूँ क्योंकि कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ वेराइटीज चाहिए होता है, कुछ क्या होता है आपको यू नो ऑनलाइन दिख जाते हैं तो मुझे दिख गया। एंड मुझे इनमें से एक तो वैरायटी पहले भी मेरे पास था, मुझे दिखाऊंगी, वही जो ख़राब हो जाता है उस वो फिर से ऐड करने का आपका मन होता है। मुझे अभी ये सिंगोनियम का कलेक्शन अपना ठीक करने का मन है क्योंकि एक टाइम पे ना सिंगोनियम मेरे और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ खोलते खोलते सिंगोनियम एक टाइम पे मेरे बहुत ही फेवरेट प्लांट होता था एंड देन वही पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया एंड इस साल मैं डिटर्मिंड हूँ मैं नेगलेक्ट नहीं करूँगी। एंड ये देखिए ऐसे आए हैं छोटे छोटे प्लांट हैं विदाउट पॉट्स है एंड मैं प्राइस भी शेयर करूँगी आपको जितना मुझे याद है क्योंकि ऑर्डर मैंने लास्ट वीक ही दिया था, ऐसे रैप करके बोर्ड के साथ एक ऐसे ही भेजा है एक साथ। देखिए खोलने के टाइम में हम लोग सब थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैसा आएगा पता नहीं, तो ये यहाँ पर एक साथ सारा प्लांट पैकिंग किया है। सब तो अच्छे लग रहे हैं, ड्राई लग रहे हैं क्योंकि आज बहुत गर्मी था बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने दोपहर का प्लान स्वैपिंग वाला वीडियो में जैसे मैंने बोला आज बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो अभी मैं क्या करूँगी इन सबको खोलने के बाद 10 मिनट मैं पानी में रखूँगी, उसके बाद मैं कोकोपीट 40% पर्लाइट एंड सैंड का मिक्सचर एंड 40% कंपोस्ट, 40 तो नहीं होगा 20% कंपोस्ट 20% काउडन ऐसा मैं पॉटिंग कर दूँगी क्योंकि सिंगोनियम कोकोपीट में अच्छा रहता है, कुछ कुछ हम लोग अंदर भी रखते हैं तो जो अंदर रखते हैं उसको मॉइस्ट सॉइल अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला ना अभी गर्म होकर रखा है, मैं छू रही हूँ ना खोलने के टाइम में, वेट टिश्यू से रैप किया था फिर पेपर भी दिया था लेकिन इतना गर्म हो गया। कैमरा ऐसा करके दिखाती हूँ नहीं तो ऐसा है मैं दिखा रही हूँ लेकिन सॉइल नीचे काफ़ी गिर रहा है तो मैं कैमरा को उल्टा करके आपको दिखाती हूँ नहीं तो उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे आया है सारे प्लांट्स एक साथ आए हैं, तो मैं इन सबको सेपरेट करके आई थिंक आप लोग के साथ वीडियो शेयर करना अच्छा होगा। ये देखिए एक साथ है और एकदम गर्म होकर रखा है, इसलिए आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ माय प्लांट आल्सो। मैं इन सबको सेपरेट कर लेती हूँ उसके बाद मैं वीडियो में अपडेट करती हूँ और मैं बाहर जाके करती हूँ नहीं तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं प्लांट्स सारे बाहर ले आई हूँ, अभी अराउंड 5:45 टाइम है, थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा। ये फर्स्ट प्लांट है, ये मुझे पड़ा है 100 रुपीज़, इसका ID तो मुझे पता नहीं है, सेलर को भी पता नहीं था, और इसका पत्ते का शेप थोड़ा डिफरेंट है और इसका यंग लीफ एंड पुराना लीफ का कलर भी डिफरेंट है। ये पहले वाले से थोड़ा बड़ा है प्लांट साइज, 100 दिया है मैंने, तो जितना जो प्राइस मुझे आइडिया है मैं आपको बोल रही हूँ। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और इसका मुझे वेरिएशन बहुत अच्छा लगा, मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ वेरिएशन। ये देखिए ये वाला वेरिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट ग्रीन थोड़ा पिंकिश हिंट एंड देन बॉटल ग्रीन जो डीप ग्रीन है, वेरिएशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मैंने 300 दिया है और इसका जो पीला पत्ता मैं काट दूंगी, लगाने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा प्लांट्स, ऑनलाइन जब आता है सूखा सूखा दिखता है। ये मैंने पैसा नहीं दिया, ये मेरा ऑलरेडी एक है उसने मुझे ऐसे ही और एक दे दिया, इसको आई थिंक
बाटी सिंगोनिया बाटी ऐसा कुछ बोलते हैं, ये मैंने आई डिडेंट पे फॉर इट, इसका मैंने 400 दिया है। यह सिंगोनियम चॉकलेट जो है ये काफ़ी लंबा प्लांट है तो इसको मुझे काटना पड़ेगा। वैसे भी एक रस्सी देख पा रहे हैं ना आप वाइट कलर का, उसने आई थिंक किसी स्टिक के साथ इसको बांध के रखा था पॉट में। एंड फिर ये मरंता ये भी मुझे ऐसे ही दे दिया है, एंड मुझे लाइक यू नो छोटा सा मरंता, ये ऑलरेडी मेरे पास एक प्लांट है, फिर भी अच्छा लगा, जो भी प्लांट ऐड होता है अच्छा ही लगता है। तो मैंने क्या क्या है देखिए, ये एक पॉट लिया है जिसमें होल किया नहीं है, तो उसमें मैंने पानी दिया है ठंडा नॉर्मल वाटर दिया है, उसमें ये रूट बॉल पूरा गर्म हो गया था, और ये देखिए वो रस्सी से स्टिक बंधा हुआ था। तो ये चॉकलेट सिंगोनियम के लिए मैंने एक्चुअली ये सारा प्लांट लिया। चॉकलेट सिंगोनियम मेरे पास एक टाइम पर था, फिर ख़राब हो गया, इधर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, और ऑनलाइन जो वेबसाइट वगैरह में मुझे इतना प्राइस दिख रहा था छोटा छोटा प्लांट का। तो ये पत्ता वगैरह मैंने थोड़ा थोड़ा धो भी दिया है, अभी थोड़ा जाना गया है देखिए, तो मैंने वही 400 एक का दिया है, एक का 300 दिया है, 700 हो गया, और 200 दिया है, 900 हो गया, एंड शिपिंग बस में लगता है 100, तो 1000 हो जाता है। तो और ये जो एक ये सिंगोनिया बाटिक जो मैंने बोला था पीछे आपको पता दिख रहा है, वो मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है उसने, तो उसका भी इधर आप लोकल लेते हैं तो 100 पड़ जाता है। और ये देखिए मरंदा भी अच्छा लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है। आप भी अगर आपके पास भी प्लांट्स ऐसे आए तो आप थोड़ा देर उसको पानी में रख दीजिए, डायरेक्टली पॉटिंग मत कीजिए इतने गर्मी के सीज़न में। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चॉकलेट, तो हालांकि मेरे पास पहले भी था, मुझे आइडिया था, ये वाला आई थिंक मेरे पास नहीं था, तो मुझे अपना खुद का पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा। और चॉकलेट मुझे काटना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सिंगोनिया मॉस्टिक में नहीं देती हूँ, मुझे ट्रेल कराना अच्छा लगता है। तो मैं कल पॉटिंग करूँगी या आज थोड़ी देर बाद पॉटिंग करूँगी, देखती हूँ। मैं सारा रात पानी में भी रख सकती हूँ क्योंकि सिंगोनिया पानी में बहुत अच्छे से चलते हैं। आज अगर बहुत देर हो गया तो मैं यू नो कल पॉटिंग करूँगी, जो भी करती हूँ कल सुबह में इन लोग का पॉटिंग के बाद का वीडियो ज़रूर दूँगी, क्योंकि अनबॉक्सिंग के टाइम में प्लांट्स बहुत सूखे सूखे लगते हैं गर्मी के टाइम पर, लेकिन आप जब पॉटिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटा सा मेरा अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा सिंगोनियम का मुझे बोलिएगा, जिसमें एक छोटा सा मरंता भी है। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।